हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो हम जा रहे हैं लिली विल में, और भाई लिली विल के हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। जैसे कि आपने लास्ट स्ट्रीम में देखा होगा, हमने अपना पूरा का पूरा ट्राई किया किंग को पकड़ने का। भाई फ्लीट भाई ने लिटरली महीनों से प्लान बनाया था और वो प्लान को एग्जीक्यूट किया कासल ने। मतलब कासल ने क्या एग्जीक्यूट किया, वो तो रैट है, बट जो उसको इन्फॉर्मेशन किंग के पास जानी चाहिए थी, फ्लीट भाई ने लिटरली उसको हनी ट्रैप किया। उसने वो इन्फॉर्मेशन किंग को बताई, बट जैसे ही सारे लिली विल मेंबर वहाँ पहुँचे, किंग ऑलरेडी एक स्टेप आगे था हम सबसे। उसने पूरी की पूरी आर्मी सेट की थी वहाँ। जब वो ऊपर से गिरे भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते। और भाई नॉर्मल आर्मी नहीं थी उनकी, जो हर बार आती है वो नहीं थी भाई, पूरी की पूरी अलीट थी उनकी। बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास आर्मर मैक्स आउट थे। मैक्स आउट तो नहीं भी होंगे तो भाई आर्मर बहुत ज़्यादा तगड़े थे। तुम सोच रहे हो वो कितने ज़्यादा खतरनाक थे। भाई किंग को सब कुछ पता था, लिटरली सब कुछ। और उसको पता कैसे था, उसका एक स्पाई था लिली विल में, वो था गार्ड। भाई किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा वो गार्ड स्पाई कर रहा होगा। वो लिटरली क्या बोलते, सबसे भाई किंग की बुराई कर रहा है, किंग वो करता है ये करता है, बट किसने ये नहीं सोचा था भाई वो लिटरली किंग के साथ का बंदा है, किंग का स्पाई है। तुम समझो भाई लिली विल में बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो चुकी है, और हमने जो प्लान बनाया था किंग को पकड़ने का वो तो हो नहीं पाया। बट कासल एंड गार्ड हमारे जेल में, बट भाई वो एक भी इन्फॉर्मेशन बताने से मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हमको कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तुम समझ रहे हो, या तो उनको कुछ पता ही नहीं है या वो किंग से इतना डरते हैं कुछ बता ही नहीं रहे। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और भाई किंग इतना ज़्यादा पावरफुल है ना, तुम समझ रहे हो, हर बार हर चीज़ में वो हमसे एक स्टेप आगे रहा है, हर चीज़ में। अभी तक हमने जितने भी बंदों से लड़े हैं या जितने भी बंदे आए हैं भाई, उनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। वो किंग के सामने कुछ भी नहीं है। किंग के पास पावर भी है और उसके पास दिमाग भी है भाई, वो हर चीज़ में एक स्टेप आगे। तुम सोचो गाइस, जब हमने उनके पूरे के पूरे एलिट मेंबर्स हरा दिए और किंग भाई गुस्से में भागा है, समझ रहे हो, उसकी बेइज्जती हुई है लिटरली वहाँ, क्योंकि उसने पूरा का पूरा सेटअप किया था सब कुछ लेविल को पूरा का पूरा ट्रैप करने के लिए। वो तो भाई अपने साथ पीवीपी भी गौड़ते तो हम बच गए वहाँ पर, मना अभी हम भी जेल में होते कासल एरिक गार्ड के से। और भाई इसके दो खास मेंबर, अब मुझे नहीं पता है कितने खास मेंबर है। कासल तो भाई खास है ही, क्योंकि वही मेन रेड था, उसी की वजह से तो क्या बोलते इतना सब कुछ हुआ है, किंग को इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो भाई दो खास मेंबर हमारे जेल में, और भाई अब किंग ना कभी भी आ सकता है उनको छुड़ाने के लिए। अब मुझे नहीं पता वो कब आएगा और कैसे आएगा। अगर वो आएगा तो भाई ये इम्पॉसिबल से कम नहीं होगा कि किंग को रोकना, क्योंकि भाई तुम समझ रहे हो भाई वो हर चीज़ में एक स्टेप आगे रहा है, और उसके पास आर्मी भी है, पावरफुल आर्मी। नॉर्मल आर्मी होती है चलो ठीक है भाई, नॉर्मल आर्मी ठीक है, उसके बाद पावरफुल आर्मी है, और सारे गांव की आर्मी है। एक लिली विल की आर्मी नहीं है उसके पास, और सी विल की आर्मी नहीं। अब सी विल का नहीं पता मुझे अभी क्या सीन है वहाँ, तुम समझो उसकी आर्मी कितनी बड़ी है। अगर वो आ गया लिली विल में तो भाई लिली विल को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सारे के सारे लिली विल मेंबर लड़ेंगे तो सही, बट भाई मुझे नहीं पता कितने चांसेस होंगे, कितने परसेंट चांसेस होंगे लिली विल के जीतने के। भाई अभी तो लिली विल सही हुआ था भाई, तुम सोचो ना यार, किंग भागा हुआ है वहाँ से, किंग भागा हुआ है, और क्या बोलते हैं उसकी जनता के सामने उसकी बेइज्जती हुई है। सोचो वो कितना खतरनाक बन के आएगा, खतरनाक बन के क्या आएगा, ऑलरेडी खतरनाक है भाई। वो कितनी खतरनाक आर्मी लेके आएगा लिली विल में अटैक करने के लिए। भाई इतने मुश्किल से भाई इतनी अच्छी, मतलब सुन समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग में लिली विल कैसा था, फिर बीट में क्या बोलते हैं रॉनी का सीन हुआ, पूरे का पूरा लिली विल टूट गया था। अभी कितना सुंदर है लिली विल, अगर भाई यहाँ फिर से अटैक होता है तो भाई ये सब कुछ चले जाएगा भाई हमारे हाथ से, जिसके लिए हमने मेहनत की है। हाँ भाई ये किंग आया ही क्यों लिली विल में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई ये क्यों है भाई, इतना खतरनाक बंदा भाई। ठीक है आर्मी है तो चलता है भाई, उसके बाद दिमाग भी अलग ही है। तो भाई आज हम एक चीज़ करने वाले हैं, इलीगल चीज़, होपफुली वो काम करे। एक इलीगल आइटम हमको ऑब्टेन करना है जो हमारी हेल्प करे एटलीस्ट लिली विल डिफेंड करने में, अगर कोई आर्मी अटैक करती है। क्योंकि अभी तो मेरे भाई, अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ना किंग को हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम सोचो जो प्लान को हम महीनों से समझ रहे हो, महीनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, महीनों से, लिटरली हफ्तों से नहीं, महीनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें भी किंग हमेशा हमसे एक स्टेप आगे रहा है। हम कितना ही आगे सोच लें, हमेशा किंग हमसे आगे की सोचता है, एक स्टेप आगे रहा ही रहा है। तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो भाई इसलिए मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया जो पहले इलीगल नहीं थी बट अब जाके इलीगल हो गई है लिली विल में। अगर तुम गैस कर सकते हो तो गैस कर लो गाइस, वो हम जाएंगे नदर में ढूंढने के लिए। अगर लिली विल में बंदे आए ना अटैक करने के लिए तो वो चीज़ हम बाहर छोड़ते हैं। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई वो इलीगल है, अब मुझे नहीं पता भाई इसके लिए मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है आपको पता है इलीगल चीज़ हम लिली विल में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि ऑटोमेटिक फार्म हो गया, मैंने फार्म बनाया था उसके लिए भी मुझे जेल हुई थी। तो गाइस अब लिली विल की डिफेंस की बात है तो करना तो पड़ेगा ही भाई। भाई यार ये जू भी बनाया था भाई, इसकी ओप भाई यार ये किंग के वजह से ना इसकी ओपनिंग भी नहीं हो भाई। ये यार
इतने मुश्किल से इतने टाइम से बनाया है भाई, अभी तक बॉनी भी नहीं हुई है, और ऊपर से भाई तुमको पता है ना कितना लोन में हूँ मैं यार, इसकी पेमेंट भी नहीं हुई है, ये भी ऑलमोस्ट इलीगल है, बट ये भाई खुले में बनाया है। तो दोस्तों हम वो इलीगल आइटम लेने तो जाएंगे, बट उससे पहले आप सभी को बताया ना इस शनिवार को क्या हो रहा है, इस सैटरडे को क्या हो रहा है गाइस, जिसको पता नहीं है कान खोल के सुन ले, इस सैटरडे को 12 बजे दिन के 12 बजे लाइव स्ट्रीम होने वाली है माइनक्राफ्ट हार्डकोर 24 घंटे की, जिसमें हम सब एक साथ मिलकर खेलेंगे, मतलब IRL समझ लो एक रूम में बैठ के खेलेंगे। जैसा कि आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होगे बहुत डिफरेंट है, अभी तो खाली फ्लिट भाई और मैं है, यहाँ रॉनी भी आएगा मेरे साइड में, और भाई तुमको पीछे दिख रहा होगा अभी पीछे सब कुछ सेट हो चुका है, अभी ये पूरा ब्लर है तुमको मना पूरा दिख जाएगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा क्रेजी स्ट्रीम होने वाली है, बट भाई तुमको एक बड़ी न्यूज़ दूँ भाई, हम तीन तो यहाँ है ही है, चौथा बंदा भी आने वाला है भाई, अब तुम सोच लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट डाउन कर देना भाई, उसको समझ में आ जाएगा भाई, उसके लिए तो बहुत मजा आने वाले, सोचो भाई चौथा बंदा भी आ गया भाई, देखने मिल जाएगा भाई, तुम सोच रहो कितना क्रेजी होने वाला है और कितनी क्रेजी स्ट्रीम होने वाली है, समझो किसी ने नहीं करी ऐसी स्ट्रीम, इंडिया की सबसे भाई सबसे क्या सबसे पहली भाई क्रेजी स्ट्रीम होने वाली है, समझ रहे हो। तो गाइस तुम लोग को आना है, सपोर्ट करना है भाई, और जिसने ट्रेलर नहीं देखा ट्रेलर देखो, और अपने दोस्तों को शेयर करो, और स्ट्रीम में भाई अपने दोस्तों को लाना भाई, बहुत ज़्यादा मस्ती होने वाली है, बहुत ज़्यादा फन होने वाला है पूरा। हम जैसे समझ लो एक सिनेरियो बता देता हूँ, साइड में रोनी बैठा है, हम माइनक्राफ्ट खोल के ले, रोनी मर गया भाई, यहाँ पर फ्लिट भाई और मैं मिल के रोनी को पीट सकते हैं भाई, तुम सारे इसके सारे POV देखोगे, बहुत मजे आने वाले हैं। तो गाइस इस सैटरडे कैलेंडर में मार्क कर दो, दिन के 12 बजे लाइव स्ट्रीम होगी गाइस, आपको पक्का आना है ठीक है, अपने दोस्तों को बुलाना है पक्का आना है ठीक है। दोस्तों जो मैं इलीगल आइटम लेने जा रहा हूँ ना, उससे पहले थोड़ी ये प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि हमको नेदर में जाना है और नेदर में रिस्की भी होता है, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें टोटम वोटम सब कुछ है, बट भाई अभी क्या बोलते हैं मुझे वो भी देखना है, जो मेरे पास आर्मर का सेट है ना सारे के सारे, क्योंकि अभी क्या काम क्या है मेरा, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, तो मुझे सबके लिए एक अच्छा आर्मर सेटअप करना है, तो मैं देखने जा रहा हूँ कि उसकी एन्चांटमेंट कैसी है, वो क्या बोलते हैं जो अब मेरे पास आर्मर है ना उसकी एन्चांटमेंट अच्छी है बेकार है, तो उसके लिए अब हम सीक्रेट बेस पर जा रहे हैं अपने भाई साहब, तुम समझ रहे हो यार भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है लिली विल में सीन, जैसा कि नॉर्मल भाई यार नॉर्मल डेज कब आएंगे वही सोचता हूँ मैं यार। ओके भाई ये नहीं यार, वो चेस में जो मेरा वो था ना यार, मैंने यार सब्सक्राइब का वाला वो बनाया था ना सीक्रेट पास की, वो तो यार मेरा मेरे ख्याल से मैंने फेंक दिया क्या, नहीं यार फेंकना तो नहीं चाहिए क्या, और ऊपर से वो भाई बहुत वो है रेयर आइटम, मतलब रेयर तो नहीं है बट ऐसे इजीली नहीं मिलता, क्योंकि वो है क्या नाम है उसका जो हैमर का हार लगता है यार, अबे बस सो जा भाई मेरे को जाने दो बार, आई होप इन चेस्ट में सो, मना नहीं होगा तो भाई जीजी सो गया, मेरे को याद है मैंने यही कहीं चेस्ट में रखा था, या मेरे अंडर चेस्ट में होगा, अंडर चेस्ट में भी नहीं है यार, यहाँ तो सारे मेरे पोशन वोशन है, और यहाँ पर यार गया कहाँ हूँ, मैंने ऊपर वाले चेस्ट में रखा है क्या, गया तो गया कहाँ भाई यार, ये तो थोड़ा सीन नहीं हो गया। ओके ये है लिटरली क्या बोलते हैं इसको, बोलते क्या है मैं भूल गया हूँ, बट इसमें मैंने वो लगा रखा है ना, जैसे कि हमारा पासकोड टाइप का वो है, पासकोड टाइप का हमारा क्या बोलते हैं सीक्रेट एंट्रेंस, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर टू वॉच, बट मे आई होप क्या बोलते हैं सबने देखी हो। तो यहाँ पर हमको बेसिकली यहाँ पर डालना है, ये हाथ में लेंगे हम, अगर हमको यही आइटम डालना है और उस पर यही नाम होना चाहिए जैसे सब्सक्राइब है, तो बेसिकली हमको ये हमारा वो सेटअप है पूरा का पूरा, यहाँ पर मुझे फेंकना है और यहाँ पर खुल जाएगा दरवाज़ा, तो बढ़िया करके दरवाज़ा खुल जाएगा और हमको जाना है डाउन, तो यहाँ से हम डाउन जाएंगे ऐसे करके, अब मुझे देखना है कि हमारे पास क्या क्या आर्मर है, और इसके लिए मुझे ग्लास तोड़नी पड़ेगी, शील्ड टच यार वो मेरी वहाँ पर है, चलो अभी के लिए ठीक है। इस पर आर्मर क्या क्या है और कहाँ गया, प्रोटेक्शन 4, अच्छा इसमें मतलब सब में प्रोटेक्शन 4 लगी है बेसिकली, ठीक है हमको ये सेटअप करना है प्रोटेक्शन, इसमें सारे की सारी एन्चांट करनी है ठीक है, उसके लिए अपने को ये ठीक है यहाँ पर है प्रोटेक्शन 4 शार्पनेस 3 अनब्रेकिंग 3 प्रोटेक्शन 4 ठीक है, प्रोटेक्शन 4 लगा देंगे, थॉर्न लगा देंगे, मेंडिंग लगा देंगे इसमें ठीक है। अभी क्या बोलते हैं हमको थोड़ी एन्चांटमेंट भी चाहिए, क्योंकि यार अभी हमको क्या ना हमको अभी क्या बोलते हैं बेस्ट आर्मर बनाना है जितना हो सकता है मैक्स, एकदम पूरा का पूरा मैक्स आर्मर बनाना है जितना हो सकता है जितना बन सकता है मेरे से पूरा का पूरा, क्योंकि भाई अब कभी भी वॉर छिड़ सकती है कभी भी, और वॉर छिड़ेगी तो भाई 90% चांसेस है कि हम हार रहे हैं, मुझे पता है कि ये सर तुम बोलोगे भैया आप ऐसा क्यों बोल लो, बट भाई तुम देख लो ना सिनेरियो देख लो कितना खतरनाक सिनेरियो हो गया है। हाँ किंग भाई अलग ही बंदा है, वो पूरा मास्टर माइंड है भाई, जो भी सोचता है वो ना जो भी चीज़ करता है ना वो हमेशा सोच समझ के करता है, हमेशा वो एक स्टेप आगे रहा है, हमेशा तुम कभी भी देख लो वो हमेशा एक स्टेप आगे रहा है,
हमेशा उसने जगह भी कौन सी चूज करी, उसने कासल को ये देख लो, चलो जब उस कासल ने ना हमको मतलब जब गार्ड ने हमको एक लोकेशन बताई हिल के पीछे, जो हिल के पीछे जहां हम गए थे, जहां पर फ्लीट भाई रिटायर हुए थे, मतलब फ्लीट सीजन टू स्टार्ट हुआ था यहां से लिलीविल का, जहां पर ना फ्लीट भाई रिटायर नहीं होते, क्या बोलते हैं, जहां पर फ्लीट भाई रिटायर हुए थे, जहां से सीजन टू स्टार्ट हुआ था लिलीविल का, वही स्पॉट चूज़ किया किंग ने। अब मुझे नहीं पता क्यों किया, बट उसको पता था भाई कि फ्लीट वो स्टार्टिंग से हम पर नज़र रख रहा था, सोच लो उसको वो स्पॉट कैसे पता लगेगा, वो गार्ड, क्योंकि गार्ड ने वो स्पॉट बताया ना, गार्ड को स्पॉट कैसे पता लगेगा भाई, तुम सोच रहे हो वो कब से हमको ऑब्जर्व कर रहा है, कब से प्लानिंग कर रहा है, नो बडी नोज भाई, तुम सोच रहे हो कितना ही खतरनाक है किंग। अभी तो भाई वो कभी भी क्या बोलते लिलीविल में अटैक कर सकता है, तो भाई उसके लिए मुझे ना हर टावर में कैनन बनानी पड़ेगी, बट कैनन बनाने से पहले हमको जो इलीगल आइटम है वो ऑप्टेन करना पड़ेगा। लिटरली अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, 6 बजने वाले ऑलमोस्ट, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि लिलीविल में कोई भी ना आए, कोई भी ना, क्योंकि लिलीविल सर्वर में कोई होगा वो मुझसे पूछेगा तो उसको पता लग जाएगा मैं इलीगल आइटम ऑप्टेन कर रहा हूँ। और बेसिकली भाई मैं इतना चीख चीख के बोला ना, मेरे पीछे फ्लीट भाई सो रहे हैं, अगर फ्लीट भाई को पता लग गया ना तो भाई जी है, अगर ये वीडियो नहीं आई ना समझ लेना फ्लीट भाई को पता लग गया है, क्योंकि पीछे फ्लीट भाई सो रहे हैं और मैं उनके सामने इलीगल आइटम ऑप्टेन करने जा रहा हूँ, होपफुली फ्लीट भाई को पता ना लगे। हाँ भाई फ्लीट भाई गहरी नींद में, होपफुली फ्लीट भाई गहरी नींद में रहे, अभी ये कौन है, होपफुली फील्ड भाई गहरी नींद में रहे भाई। हमने बेसिकली मुझे फोर्ट्रेस में काम है, और आप सोच रहे होंगे कि क्या बोलते हैं मैं क्या उठाने जा रहा हूँ, मैं बेसिकली एक विदर स्केलेटन स्कल उठाने जा रहा हूँ, हम विदर स्पॉन करेंगे, अगर कोई हम पे समझ मैसिव आर्मी अटैक करती है तो विदर स्कल हम स्पॉन करेंगे, क्योंकि भाई अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, हम कैनन्स बनाएंगे बट विदर स्कल भी मैं स्पॉन करने वाला हूँ, क्योंकि वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यार, बहुत ज़्यादा समझो, क्योंकि अब आप बोलोगे विदर स्कल कैसे इलीगल हो गया, बट भाई तुमको याद है ना लास्ट टाइम जब रोनी के साथ हमारी फाइट थी तो जैक ने 2-3 विदर स्केलेटन स्पॉन कर दिए थे भाई साहब, भाई उससे हमारी काफ़ी हेल्प भी हुई, बट उससे थोड़ा बहुत लिलीविल डिस्ट्रक्ट भी हुआ, बट उसी के बाद फ्लीट भाई ने क्या बोलते विदर स्केलेटन स्पॉन करना बैन कर दिया था, लिलीविल में बैन है विदर स्केलेटन स्पॉन करना, विदर स्केलेटन कलेक्ट करना भी बैन है, अभी मैं वही करने जा रहा हूँ। और यार फ्लीट भाई उठ ना जाए, क्योंकि फ्लीट भाई उठ गए ना बदमाश ही नहीं मित्र तीन हो जाएगा, तो ओए मेरे को लगा मर गया मैं। चलो अभी मुझे सबसे पहले फोर्ट्रेस ढूंढने और विदर स्केलेटन कलेक्ट करने एज सून एज पॉसिबल, मैंने कोई सर्वर में आ गया ना, क्योंकि भाई ये टाइम ही वही है, अभी क्या बोलते सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी तो कोई नहीं आएगा, बट भाई मैं नहीं जानता भाई, सबको सब प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, सब किंग से डरे हुए हैं लिटरली, तो सब प्रिपेयर कर रहे हैं, किंग कभी भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो सब प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या पता कोई आ सके, तो जल्दी से फोर्ट्रेस ढूंढता हूँ, फोर्ट्रेस के कॉर्ड मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि लास्ट टाइम गया था ना मैं, वो देखता हूँ और फोर्ट्रेस पहुँचता हूँ भाई। तो गाइज ये हमारा पोर्टल पीछे ही था बस भाई, कब से ढूंढ रहा हूँ इसको भाई, जस्ट पीछे। अब यहाँ से मैं नीचे कैसे उतरूँ, ये तो सीन नहीं हो जाएगी भाई, हेलो दोस्तों ये सीन नहीं हो जाएगा। अच्छा भाई एंटर पल है मेरे पे, अरे भाई कितना डार्क हो रहा है, अरे यार टॉर्च भी नहीं लाया मैं, अरे भाई मर जाऊंगा सोचा, चेस्ट भाई कुछ दे दे, टॉर्च आई नीड टॉर्च, सबसे पहले मैं टॉर्च दूंगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा होगा, टॉर्च मिल जा। अभी अपने को क्या बोलते हैं विदर स्केलेटन विदर स्कल जमा करने हैं विदर बुलाने के लिए, और भाई मुझे खाली एक विदर बुलाने के लिए नहीं चाहिए, अगर सोचो ना किंग की आर्मी आ रही है, और आर्मी में भाई तुमने सुना है ना 100 से ज़्यादा मेंबर है उस आर्मी में, तो सोच लो भाई कितने ज़्यादा विदर स्केलेटन चाहिए होंगे, भाई एक भी विदर क्यों नहीं दिख रहा, वही हेलो ब्रो आर यू डूइंग, तो दिख भी नहीं रहा भाई मुझे, आ जा भाई तू विदर लगा के गया है क्या यार, हाँ विदर स्केलेटन ढूंढो, बहुत सारे विदर स्केल चाहिए मुझे, बहुत सारे भाई विदर स्केलेटन आ गया, चल 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 भाई आ जा भाई, नीछे मत गिर जाना, नीचे पीछे मार तू भाई तू मार, अबे मिल क्यों नहीं रहा है भाई, ओए कौन मार रहा है रो, आ जा भाई हेलो इधर हैं, अबे यार मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग भी तो नहीं है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, मुझे साल लग जाएंगे, जब मुझे एक मिलेगा तब भाई लूटिंग के साथ मुझे 6 मिल जाएंगे भाई, क्या लूटिंग 3 लगा के आता हूँ गाइस, थोड़ा टाइम देना, तुम्हारा भाई यू गया और यू आया लूटिंग 3 लगा, हाँ सब मान लो भाई, गाइस 2 सेकंड देना स्वॉर्ड में लूटिंग लगा के आया, तो गाइस हम पहुंचे ओवर वर्ल्ड में, अब आप सोचोगे मैं विला क्यों जा रहा हूँ भाई,
तुमको याद है ना जब रोनी और मैं क्या बोलते हैं अटैक एंड डिफेंस मिनिस्टर बने थे, तो रोनी को स्वॉर्ड वर्ड एंड ऑल बनाना था, तो उसने कासल से बहुत सारे एन्चेंटमेंट मंगाई थी, तो एट द सेम टाइम मैंने भी मंगाई थी, तो भाई वो पूरी एन्चेंटमेंट लाया नहीं, इतनी थोड़ी बहुत लाया, तो मुझे याद था यहाँ पर एक लूटिंग थ्री भी है, तो ये लूटिंग थ्री लगा देंगे। बट भाई तुमको पता है ना कासल पूरा काम नहीं किया, क्योंकि उसको फुर्सत काम मिली थी किंग को इन्फॉर्मेशन देने के बाद। भाई होपफुली मेरा 15 लेवल में हो जाए मना, भाई मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, लूटिंग थ्री मिल गई, अब जाते हैं अपने नेदर में विदर्स कर लेने, और भाई उसके बाद अगर भाई किंग की आर्मी हम पे अटैक करती है तो मैं यहाँ कैनन्स भी बनाने वाला हूँ अभी, और उसके बाद और कैनन भी बनाने पा रहा हूँ, और क्या बोलते हैं विदर्स विदर्स स्केलेटन भी कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम विदर्स स्पॉन कर पाए। भाई दोस्तों हम आ चुके फोर्ट्रेस में, अब हम हंट करेंगे विदर्स स्केलेटन स्कल। तो भाई ओके स्केलेटन मिल चुके, आ जाओ भाई, आन दो आन दो। अबे तू ब्लेजर तू क्यों है, इतने सारे क्यों आ रखे हैं, अट जा भाई मरो। ओ स्पूकी स्केलेटन, नो वे भाई, रुको रुको मरता भाई तू। ओबे भाई लूटिंग थ्री इतनी ओपी है क्या, ये नहीं पता था मुझे। भाई हटो ना यार, ब्लेज रॉड तुम्हारा काम नहीं, तुम क्यों मार रहे हो मुझे। तू मर, तू मर, और तू कौन मार, दूसरे मर रहा है, तू मर भाई। भाई मैं, ओए तू भी आ गया, मुझे तू ऐसे नहीं मर भाई, मेरा आर्मर अच्छा है, मना मेरा डेड था अभी तक। भाई अब मुझे नहीं पता भाई वो हार्डकोर स्ट्रीम कैसे जाएगी भाई, नेदर तो भाई खतरनाक होता है, सोचो हो जाएगा यार, जहाँ तक है हो जाएगा यार, मतलब ठीक है कर लेंगे हम। ओए अब मिला भाई, इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ ना, अब जाके मिला है भाई। स्वॉट क्यों गिरा रहा, नहीं चाहिए भाई तेरी स्वॉट वुडन की, तू रख भाई। सर गिरा अपना सर, आई वॉन्ट योर हेड, ड्रॉप मी योर हेड ब्रो। ओए ओए हेलो हेलो मित्र, बदमाशी नी। ओए 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 ओए, अच्छा अच्छा दो ही हुए हैं यार। ओके दोस्तों हमारे पास तीन तो हो गए, मतलब एक हम विदर समन कर सकते हैं, बट भाई अपना गोल है 12 एटलीस्ट। ओ चार भाई, किस्मत देख लो किस्मत, चार भाई चार, दो इना रो मिल गए मुझे, काश तीन इना रो मिल जाए ना। ये विदर स्केलेटन एक तो दिख भी नहीं रहे ना साले, छुप के भाई उनको पता लग गया मैं आ गया, उनकी मौत आ गई, छुप के रह रहे भाई। और ऊपर से भाई मुझे आज कुछ दिख नहीं रहा है यार नेदर पे, बिल्कुल ब्लाइंड हो गया हूं ऐसा। ओ इधर 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 विदर स्केलेटन ड्रॉप कर, ड्रॉप कर। नहीं यार अबे यहां कहां से आ रही है ये घास, इसको मार दूं भाई पहले, चल कल आना। तो दोस्तों मैं पूरा का पूरा 12 के 12 कलेक्ट करके मिलता हूं आपको। तो दोस्तों फाइनली हमने भाई 13 कलेक्ट हो गए, हमसे 13 थिंक से 12 भाई 13 कलेक्ट कर दिए, तो हमको 12 की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा हो गया है बढ़िया करके। और यहाँ पर सोल सेंड यहाँ पर नहीं है क्या अपने को, क्या बस अब क्या यहाँ पर भी सोल सेंड नहीं है, बस अपने को अब सोल सेंड कलेक्ट करनी है, उसके बाद चलते हैं लिली विल में पूरा का पूरा भाई TNT कैनन का सेटअप करते हैं, क्योंकि भाई भाई तू यहाँ क्या कर रहा, हट बे तेरा यहाँ क्या काम, यहाँ पर हाथ में ये रख लेते हैं क्योंकि बहुत अंधेरा है। चलो भाई डायरेक्ट चलते हैं सोल सेंड कलेक्ट करके लिली विल, सोल सेंड तो यहीं कहीं मिल जाएगी, ये देखो मिल गई। चलो गाइस अब इसके बाद डायरेक्ट मिलता हूँ आपको लिली विल में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ओवर वर्ल्ड में, मेरे पास सोल सैंड भी हो गई है, ये स्केलेटन का क्या ही करूँगा मैं, मुझे नहीं पता, बट ठीक है भाई बोन मिल ओन मिल के किसी काम तो आएगी। जल्दी से जाते हैं भाई ये विदर स्केलेटन मैं अपने एंडर चेस्ट में रख देता हूँ, क्योंकि भाई इन्वेंट्री में रखने का रिस्क कभी नहीं ले सकता मैं, कभी क्या पता कभी मैनुअल चेकिंग या कुछ भी हो जाए, कभी कहीं मर गया तो भाई मेहनत पे पूरा पानी फिर जाएगा। बट इसको करते ही इसको रखते ही भाई यार हाथ में ब्लेज रॉड है यार, लिटरली मुझे ब्लेज पाउडर और चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, ब्लेस पाउडर तो ईजी है, अब तो लूटिंग भी लग गई तो बढ़िया करके मिल जाएंगी। बट अभी मेन काम है, मेन काम तो हमने कर लिया, अब अपने को वॉल्स पे TNT कैनन्स लगानी है, ठीक है। और लास्ट टाइम तुमको पता होगा मैंने TNT टेस्ट किया था, पैच टेस्ट किया था कि नीचे तो टेस्ट नहीं हो रही थी, बट मैंने कुछ इस बारी मैंने कुछ ट्वीक देखे हैं, होपफुली उस ट्वीक करके क्या बोलते हैं क्या कैनन क्या बोलते हैं जो हमारी कैनन है जो TNT है वो जमीन तक टच करें, और होपफुली जो हम पे अटैक करना है उन पर डैमेज हो, होपफुली भाई लेट्स सी कैसा ट्वीक जाता है। अभी डायरेक्ट TNT का मिलते हैं भाई, वही सिल्टर्स भाई मेरी ऑलमोस्ट उड़ने वाले, कोई बात नहीं डायमंड से रिपेयर कर देंगे, डायमंड बोर्ड है डायमंड भाई साहब क्या। अब देखो ना यहाँ पर स्वीपिंग एज है, ठीक है यहाँ पर ब्लेज रोड यहाँ रख दे क्योंकि यहाँ काम नहीं है, और भाई यहाँ पर भी हम पूरा सामान यहाँ सेट करेंगे ना, ठीक है। और ये कौन ये सब फालतू एरो चाहिए अपने को, और ये बाकी ये फालतू फालतू कोल नहीं है भाई, कोल कभी फालतू नहीं होता, क्योंकि टॉर्च भाई टॉर्च के लिए तो भाई तरसा मैं हूँ भाई। हेलो एनचार्टेड पर खुले में रखा है मैंने, हेलो जल्दबाजी आई नो, बट खुले में नहीं रखते यार, इसी चीज़ चोरी हो गई ना। चल दो तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पोशन है,
अभी वुड नहीं है, गरीबी की सीमा पार करते हुए और अपने ही घर में चोरी करते हुए देव भाई टॉर्च बनानी है यार, क्या पता कब काम आ जाए। चलो किसी को कुछ पता नहीं लगा किसके घर के लॉक गायब हुए, मेरे घर के लॉक गायब हुए तो कोई सीन नहीं। चलो गाइस अब जाते हैं टावर पे और बनाते हैं कैनन, टीएनटी कैनन का सामान वहीं रखा हुआ है टावर के अंदर क्योंकि लास्ट टाइम था वहीं छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था एट दी एंड भाई कैनन तो बनानी क्योंकि वही डिफेंस के लिए पावरफुल वेपन है। और जो तुम्हारे भाई ने स्नाइपर बनाई हुई थी जो टीएनटी थी वो थोड़ी फेल एज अ फेल एक्सपेरिमेंट में माना जाएगा क्योंकि यार वो सीन हो गया था उसके साथ, थोड़ा हवा में फट जा रही थी और उसको ट्विक करने के लिए मैंने ट्राई किया बट वो हो नहीं पा रहा है एडजस्ट। तो हम अभी क्या बोलते हैं वॉल क्या अपने टावर कैनन पर स्टिक करेंगे। यहाँ पर टावर, यहाँ से टावर गायब है क्या, एक टावर था ना यहीं कहीं। अरे भाई वहाँ पर टावर्स पे लगानी पड़ेगी खाली फिर। चलो ठीक है टावर्स पे लगाता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको कैसे इस बार कौन सी कैनन बना रहा हूँ मैं। ओके दोस्तों अब हम कैनन बनाने वाले हैं। देखो मैंने एक ही चीज़ सोची है, यहाँ पर कैनन का थोड़ा बहुत सामान है जो हमको चाहिए, बट मैंने सोचा कि ऊपर क्यों बनाया जाए कैनन जब मैं नीचे बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर बनाऊंगा तो और दुगनी हाइट होगी, समझ लो बहुत ज़्यादा हाइट है। तो मैं सोच रहा हूँ नीचे एकदम बॉटम बनाऊँ, क्योंकि अभी क्या बोलते जो ऊपर जाने वाला रास्ता है वो हम साइड लाइन से निकालेंगे, ये वाली लाइन से निकालेंगे, तो सबको ऊपर कोई जिसको क्या बोलते वॉच टावर पे गार्ड करना है वो गार्ड भी कर पाए और क्या बोलते हैं अपनी कैनन भी काम कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा तोड़फोड़ करेंगे हम। सॉरी जैक भाई, सॉरी फ्लिट भाई, इतनी मुश्किल से मेहनत से बनाया तो कोई बात नहीं भाई। अब यहाँ पर कैनन लगाते हैं, सेफ्टी भी ज़रूरी है, अपने को स्लैब बनाना पड़ेगा वुड नहीं लाऊँ मैं स्लैब के लिए, वुड लाने पड़ेंगे यार अपने को, मेरे को एक स्लैब भी चाहिए। ओके तो भाई ये रोनी की इससे काट लेते ना यार, ये बेकार सी तो पड़ी है, कोई इसको ना कोई जाने ना पहचाने, मतलब यार समझ रहे हो ना यार इसको मतलब अभी यूज़ नहीं होती तो अभी ये ऑलमोस्ट बंद जैसी है, मतलब यूज़फुल तो है ऐसा नहीं बोलूँगा यूज़फुल नहीं है। तो ये करेंगे पहले हम, बेसिकली पहले हम उसका मुंह बनाएंगे ऐसे ऐसे करके और सामने हम लगा देंगे स्लैब जो कि मैंने लिए हैं और हम लगाएंगे यहाँ पर डिस्पेंसर ले लिया ना मैंने, डिस्पेंसर लगाएंगे यहाँ पर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और भैंस की ये तो लंबी हो रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं ये तोड़ के यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गए। तो बेसिकली हम यहाँ पर वही कर सकते हैं, यहाँ पर इसका ये नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही था ना, हाँ यहाँ पर ये और यहाँ पर स्लैब, ठीक है अभी के लिए ये सेट करते हैं खासी यार। चलो कोई बात नहीं, अपने को ये फिर से इसके ये मुंह इस तरफ करना है अभी, कैसे भाई रुको, अपने को मुंह इस तरफ करना है ऐसे, ठीक है। तो हमको पीछे बेसिकली ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहाँ पर से अपने को डिस्पेंसर फिर से ले लेना है, डिस्पेंसर हम यहाँ लगाएंगे 2, 3, 4, 5, 6 और ये अपना 7 हो गया। बेसिकली दरवाज़ा यहाँ पर एक ही रहेगा, सॉरी जिससे मल्टीपल डोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पर हम एक ब्लॉक लगा देंगे, तो ब्लॉक से हमारा आ रहा होगा पानी यहाँ रखा नहीं मैंने, पानी ले आऊँगा कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा पानी, तो अब हमको यहाँ पर ये तोड़ना है इसके बगल ब्लॉक, रुको इसको हटाते हैं पहले स्वॉर्ड गन, अबे यार टूल्स भी तो नहीं रखता मैं अपने पास, इसको हटाता हूँ रुको। तो दोस्तों अब हमारा टाइम आ गया इसको बंद करने का, तो बेसिकली ऐसे करके इसको यहाँ से बंद कर देंगे और ऊपर से ये करके बेसिकली जो हमने ये पानी आ रहा है इसको पानी को ढकना है यहाँ तक एंड तक। अब अपने को यहाँ पर चाहिए रेड स्टोन, तो रेड स्टोन यहाँ पड़ा है अपना, तो रेड स्टोन हम यहाँ से लगाएंगे ऐसे करके रेड स्टोन ये और यहाँ से ऐसे करके रेड स्टोन बेसिकली ये, अबे यार क्रॉस दबाना पड़ेगा, ये रेड स्टोन, ठीक है ये रेड स्टोन। अब अपने को क्या बोलते हैं चाहिए क्या, अपने को चाहिए रिपीटर और रिपीटर लगेगा ऐसे, ठीक है ऐसे और ऐसे 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 और सारे के सारे रिपीटर को हम 4 पे सेट कर देंगे ताकि टीएनटी हमारे ज़्यादा नीचे जाएं और टीएनटी मतलब समझ रहे हो ये टाइम लेगा, जैसे कि अगर हम इसको 1 पे सेट करेंगे तो बहुत जल्दी टीएनटी छोड़ेगी, अगर हम 4 पे टैग करेंगे उतना ही डिले करेगी, हमको डिले वाला चाहिए ताकि नीचे जा सके। तो सब 4 पे सेट हो गए बढ़िया करके, अब हमको बटन लगाना है, बट उससे पहले मैं एक बार डबल कंफर्म कर लूँ कि ये सही बनी नहीं बनी है, क्योंकि भाई अगर ये सही नहीं बनी होगी तो टीएनटी इसके अंदर जलेंगे बूम पूरा टावर गायब, टावर के साथ अगल बगल की चीज़ें भी गायब हो सकती है। तो सबसे पहले हम टीएनटी का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि तुमको पता है टीएनटी कहाँ मिल सकते हैं,
ऑब्वियसली बात है भाई, रोनी के पास ही मिलेंगे, बट जो मेरे नीचे कैनन दफन है उसके अंदर भी बहुत TNT है। मैं रोनी के वो हैकर, मतलब रोनी का जो मेन बेस है जहाँ पर ये क्या बोलते हैं हैकर वैकर के साथ था नहीं है लिली किंग के मेंबर के साथ, वहाँ से मैं लाया था। बट अभी हमको कुछ की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली रोनी भाई ने पूरा सिस्टम सेट कर रखा है यार। ये देखो यहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता है, सब कुछ सेट कर रखा है रोनी भाई यार। ये देखो क्या कितने TNT दिए अभी, ये पूरा कैसा आता था, ये ऐसे और पूरा ऐसे, अबे डबल क्लिक हो जाए, हाँ ये समझ गया मैं। तो अपने को पूरे मतलब TNT थोड़े बहुत चाहिए ही ऐसे, चलो पूरे हो गए, थोड़े और चले लेते हैं यार। इस बात ये है ना, फ्री का माल है, ऐसा बुरा भी नहीं लग रहा समझो। चलो इतना इनफ होगा अभी का टेस्टिंग, क्योंकि अभी मैं खाली टेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं अबे यार इसका हमेशा का हो गया भाई, सही कर ले यार इसको प्लीज़ यार ब्रो, अब बैग यू मैन, सही करता ही नहीं है, वुड है क्या ये, टूटता हूँ भाई और सही भी नहीं करूँगा भाई कभी। एग्जिट बना ले भाई, बनाता ही नहीं एग्जिट। अभी अब पानी कहाँ से लाऊँ भाई, मैं पानी है नहीं मेरे पे। यार रोनी भाई यार कम ऑन भाई, एग्जिट बनाना तो बनता है यार, चोर को कितनी दिक्कत हो रही सोचो भाई। लगा ही देते हैं भाई, अपने ही भाई का है भाई, चोर को कितनी, देख ना चोर को चोरी करने में दिक्कत हो रही है भाई, ऐसा एग्जिट कौन बनाता है अगर जिसमें चोर को चोरी करने में दिक्कत हो जाए। चलो आ गाइस ये सब अपना हो गया, अब अपने को सबके लिए TNT सेट करना है और एक बटन सेट करना है, और हमको भगवान प्लीज फटना मत यार, पूरा टावर बनाना पड़ जाएगा भाई। सुबह के 7 बज गए यार, 7:30 हो गए यार, मुझे सोना है। चलो अब TNT लगाते हैं, अभी के लिए फिलहाल जितना मतलब 3-4 लगा लेते हैं ठीक है। इतने भी नहीं डालने भाई, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, 3-4 ठीक है, पता लगा यही फट गए भाई, एक एक डालना चाहिए था मुझे तो कायदे से। ये TNT भर दिए, ये TNT भर दिए इसके अंदर, ये TNT भर दिए। ओ वेट वेट गाइस गाइस, सब कुछ तो कर दिया बट हमने मेन चीज़ की नहीं, वो क्या है बोलो, वो ये है हमको सामने भी डिस्पेंसर लगाना है ताकि यहाँ से TNT नीचे गिरे तभी तो आगे जाएगा, अभी कमाएंगा तभी तो खाएंगा। चलो ये अपना सेट हो गया, अभी एक बार मैं ट्रैवल जो मैंने क्लॉक बनाई है वो डबल कंफर्म करता हूँ ताकि ये टावर फूटे ना भाई, और होपफुली प्लीज़ मत फूटना भाई। एक और बार डबल चेक करते फिर इसमें लगाते बटन, फिर सब कुछ सेट करते हैं। तो पूरी की पूरी सही है, बस हमने एक गलती कर दी थी, यहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ पर अपने को बटन लगाना है भाई। अच्छा हो मैंने दोबारा डबल चेक किया तो मुझे ध्यान आ गया भाई, अब इसके बटन नहीं बनते क्या, बटन बनाओ भाई, अभी बटन किसी के नहीं बनते क्या, स्टोन के बनते हैं खाली। हेलो वुड 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 यार रोनी भाई यार, मैं चाहता नहीं हूँ आपके घर के वुड तोड़ूं बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। चलो ये करते हैं, अब तो वुड बन जा भाई, हाँ अब चाहिए मुझे वुड, यहाँ पर हम वुड लगाएंगे। होपफुली सबके अंदर TNT भराओ, अगर TNT नहीं भरा होगा तो एक बार डबल चेक करते हैं, ये फट जाएगा भाई, ये आपस में फट जाएगा, अगर इसमें TNT चेन ही नहीं बनेगी तो पूरा का पूरा फट जाएगा बेसिकली। यहाँ पर हमने नहीं लगाया डिस्पेंसर, ये भी चेक और दब गया बटन। होपफुली भाई होपफुली, ओ नहीं फट गया, नो वे ब्रो, नहीं पूरा का टावर बनाना पड़ेगा भाई, अच्छे काम करने जाता हूँ ये क्या हो जाता है, हर बारी का हो गया भाई मेरा, जब भी कुछ अच्छा करने जाऊंगा ये सब हो जाता है भाई, पूरा ही टावर फट जाता है भाई। अब पूरा रिपेयर करने में टाइम जाएगा, मेरी नींद गई, अगर फ्लीट भाई या जैक ने देख लिया तो मेरे को तो जेल वैसी हो जाएगी, कुछ इलीगल काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ भाई जो भी हो भाई, हर समय की बात होगी, जब भी कुछ अच्छा करने जाऊंगा कुछ ख़राब हो ही जाता है हर बार भाई। यहाँ पर हम सेटअप करते, मैं सेटअप में हाथ लगा रहा हूँ हेल्प करने के लिए, वो चीज़ टूट जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है। हाँ गाइज आपको पूरे का पूरा टावर रिपेयर करके मिलता हूँ, और गाइज फिर से रिमाइंडर दे दूँ, इस सैटरडे दिन के 12 बजे लाइव स्ट्रीम माइनक्राफ्ट हार्डकोर IRL 24 घंटे या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, अगर ज़्यादा मेंबर्स आ गए तो कैलेंडर में सेट कर दो, मैं अभी मिलता हूँ आपको पूरा टावर सही करके गाइज।
दो मिनट दो आपके लिए, तो एक ट्रांजेक्शन आई, सब कुछ सेट हो गया, मिल ले घंटे लगेंगे, ठीक है मिलता हूँ। फाइनली हमने अपना TNT कैनल पूरा का पूरा बना दिया भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये टावर रिवील करने में और TNT कैनल बनाने में। इसमें हमको भाई थोड़ी सी ट्विकिंग लगी है, क्योंकि पहले हमारे साथ थे तो अभी हमने कर दिए कितने, 1 2 3 4 तीन ही किए क्या, ओके तीन कर दिए हमने, चौथा सामने है। तो भाई अब आ गया टाइम भाई, प्लीज़ चल जा यार, प्लीज़ चल जा। वो चल रही है भाई, नीचे से पहुंच रही है, ओके नीचे भी पहुंच रही है, तो बढ़िया करके हमारी TNT कैनन तो बन गई है। अब उसको फिनिशिंग टच दे देते भाई, पूरा नीचे पहुंच रही है भाई। चलो गाइस अपनी TNT कैनन दूर से तो अपने को थोड़ा दूर चले आता है, दूर से अपने को ऐसे दिखे कि थोड़ा लैग हो रहा है, क्योंकि मैंने रेंडर डिस्टेंस बढ़ाया था, ट्विक करा था कितने दूर तक जा रही है कितने दूर तक नहीं जा रही है, तो अब मैं कम कर लेता हूँ। ओके अब परफेक्ट है, अब मुझे यहाँ से देखो TNT कैनन यार, भाई देखो ना कितने नीचे है, यहाँ तक जा रही है TNT कैनन अपनी, तो देखो बंदे देखो, अगर बंदे क्लोज आएंगे तो वो जो रिपीटेड 4 पे सेट है अपने को उसको चेंज करते रहना है, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये सामने फूटने लग जाएगी। तो ये मल्टी कैनन है, ऐसा नहीं कि एक ही डिस्टेंस पे सेट है, और भाई कैनन का लुक भी तगड़ा आ रहा है यार। एक सेकेंड इस साइड से देख लेते हैं कैसा लुक आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ना पूरा नीचे ले दिख नहीं रहा भाई, रुको रुको इसके हट मारते भाई, लुक भी इसका एकदम तगड़ा आ रहा है। और इसके ऊपर हम बिल्ड नहीं कर पाएंगे तो हम इसके ऊपर स्लैब जरूर लगा पाएंगे, और स्लैब भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि यार गरीबी का दूसरा नाम देव एक्सी, मतलब ऐसा भी नहीं है बट ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है गरीबी का दूसरा नाम देव एक्सी भाई। अरे यार ये स्लैब के बगल में लगा भी नहीं पाऊंगा ना मैं, रुको यहाँ पर लगा देते हैं, स्लैब बना देते हैं फिर से, यार स्लैब नहीं चाहिए अपने को, अड़िया ओए अपने को ये चाहिए ये स्लैब, ठीक है अब अपने को ये स्लैब भी नहीं लगेगा क्या इसके ऊपर, दही हम भाई, चलो कोई दिक्कत ना है अपने को सिक्योरिटी से मतलब। तो अपना बेसिकली कैनन पूरा का पूरा वर्किंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, अब मुझे पता है कि मुझे सारे टावर में बनाना है सारे कैनन। और भाई तुमको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा सुबह के 8 बज चुके हैं और मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और वीडियो आज ही आनी, तो ये एडिट भी होगी अभी, उसके बाद यूट्यूब में वीडियो अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है, चेकिंग होने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों जी होने वाला है, होपफुली ये वीडियो आज चले जाए, मेरे को नींद ना आए, लेट्स प्रे ब्रो। गाइस सैटरडे को स्ट्रीम है दिन के 12 बजे, माइनक्राफ्ट हार्डकोर IRL, भूलना मत भाई, जरूर आना, पक्का आना, अपने दोस्तों को भी लाना, और जितना शेयर हो चुके उतना शेयर करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्रेलर है वो भी बहुत ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट लेवल वीडियो में या कोई माइनक्राफ्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, पीस आउट, सैटरडे को मिलते हैं।